एक बार की बात है, एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उसमें एक छोटा सा प्यारा सा घर था, जहाँ पर लाडो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं उनकी प्यार भरी कहानी। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो उनसे प्यार करती थी, रोज उनके लिए दाना चुगने जाती थी और अपने बच्चों के लिए भी लाती थी। कभी कभी वह भूखी रहती थी, लेकिन बच्चों को दाने खिलाती थी। एक दिन वह बाहर गई और कुछ देर वापस ना आई। तभी एक तूफान आया, सारे जंगल में हाहाकार मच गया। पेड़, पशु, पक्षी सब डोलने लगे। बच्चे थे डरे डरे, तूफान उन्हें भीन लेना भगाए। बच्चों को उड़ना आता नहीं था, क्या करे, अब कुछ समझ भी नहीं आता था। तभी छुप गए एक झाड़ी के नीचे। वो खामोश होकर चुपके से आंखें नीचे नीचे। कुछ देर बाद चिड़िया वापस आई और वह अपना घर देखने लगी। बच्चे वहां न पाई। तभी उसने अपने पंख हिलाया और अपने बच्चों को आवाज लगाई। चिड़िया भी कुछ न खाती थी, लौटकर फिर भी उसी जगह वह आती थी। रो रो कर बुरा हाल था उसका, कुछ समझ भी न पाती थी। केवल इधर उधर वह अपने बच्चों को आवाज लगाती थी। एक दिन वह गई एक मंदिर में, जहाँ बच्चे थे झाड़ी के अंदर। वह बोली, कहाँ गए मेरे बच्चे, कुछ समझ न पाती हूँ, इधर उधर बस आवाज लगाती हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे मामा बोल पड़े। जो सो रहे थे उस माँ की आवाज सुनकर वे बच्चे भी डोल पड़े। बच्चों की आवाज सुनकर चिड़िया का कलेजा हिल गया, मानो कि जो थे जख्म दिल के हर जख्म अब सिल गए। वह मंदिर के पीछे जाती और बच्चों को गले लगाती। वह वहीं पर एक घोंसला बनाती और बच्चों को प्यार से बिठाती। फिर चिड़िया दाने चुगने गई और वापस आकर बच्चों को प्यार से दाना खिलाई और उनको अपने साये में चुपके से सुलाए। वो बच्चों को पाकर बहुत खुश हुई। जो जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं। तो अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आएं। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन प्रेस करना।